हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल क्लासेस फॉर यू. आई एम योर मेंटर स्मृति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स फ्रॉम क्लास 6. सो लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. तो क्या करना है आपको इसके लिए, आप बाहर जाओगे और आपके आसपास के सभी प्लांट्स को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे. ठीक है, ऑब्जर्व करोगे, देन क्या होगा, आपके जो आसपास के प्लांट्स उनको ऑब्जर्व करने के बाद, डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वेल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सोयल. तो क्या आप ये देखते हो कि जब आप बाहर जाते हो और आपके आप आसपास देखते हो कि जो प्लांट्स हैं वो किस किस तरह के हैं, तो आप देखोगे कि कुछ प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है, वेरी बिग, और कुछ क्या है आपके स्मॉल होंगे, जबकि कुछ क्या है सिर्फ जस्ट पैचेस, धब्बे की तरह होंगे, ग्रीन कलर के, जो कि सोयल के ऊपर बिखरे होंगे. ठीक है, देखते हो आप ऐसे जैसे घास होती है वो सोयल के ऊपर बिखरी हुई होती है थोड़े से पार्ट में, ठीक है, ग्रीन कलर के पैचेस से, धब्बे से दिखाई देते हैं, राइट. तो इसी तरह के दिखाई देंगे आपको. सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस. तो उनमें से किसी के जो लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, जबकि कुछ की क्या होंगी आपकी रेडिश वन होंगी, लाल से कलर की होंगी. ठीक है, सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स. कुछ में क्या होंगे, ज़्यादा मात्रा में रेड कलर के फ्लावर्स लगे होंगे. सम हैव टीनी ब्लू वंस, और कुछ में क्या होंगे, नीले रंग के छोटे छोटे भी फ्लावर लगे होंगे. वेल सम हैव नोन, और जबकि कुछ में क्या है, बिल्कुल भी नहीं होंगे. तो जब इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें हर प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं. क्या है, उनमें बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और धब्बे के टाइप के भी होते हैं जो कि सोइल के ऊपर लगे होते हैं. ठीक है, और उनमें से क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होंगे, फ्लावर भी लगे होते हैं, जिसमें रेड कलर के हो गए या फिर आपके क्या है ब्लू कलर के हो गए छोटे छोटे फ्लावर. वेल सम हैव नोन, जबकि कुछ पे तो फ्लावर ही नहीं होते. वी डू सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस. तो हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास क्या है, बहुत सारी वेराइटी होती है प्लांट्स की, पौधों में बहुत सारी विविधता होती है. नियर आवर होम्स, हमारे घरों के आसपास, इन द स्कूल ग्राउंड, जबकि हमारे स्कूल के ग्राउंड में भी होते हैं अलग अलग प्रकार के पौधे. ऑन द वे टू स्कूल या होम, ठीक है, तो जब हम स्कूल से घर जा रहे होते हैं या घर से स्कूल जा रहे होते हैं, तब भी क्या है, अलग अलग प्रकार के हमें पौधे दिखते हैं. इन द पार्क्स एंड गार्डन्स, जो गार्डन्स होते हैं और जो पार्क्स होते हैं उनके अंदर भी हमें अलग अलग प्रकार के पौधे दिखने को मिलते हैं. इज नोटेड कि ऐसा नहीं होता, होता है ना ऐसा कि हमें अलग अलग प्रकार के पौधे दिखने को मिलते हैं जब हम घर से स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल से घर आ रहे होते हैं, या अपने आस पास के एनवायरमेंट में हमें बहुत सारे पौधे देखने को मिलते हैं. लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एनी प्लांट, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी प्लांट के अलग अलग पार्ट के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं. दिस विल हेल्प अस, तो ये क्या है, हमें हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, कि जो अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको जानने में हमारी हेल्प करेगा. ठीक है, कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ प्लांट. क्या आप नाम दे सकते हो इन पौधों को जो कि आपके दिखाए गए हैं, प्लांट शोन इन फिगर 7.1, जो कि आपको 7.1 में, जो आपको ये देखिए आपको ऊपर ये 7.1 है, इसमें आपको दिखाए गए हैं पौधे अलग अलग प्रकार के. कलर द प्लांट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो आपको क्या करना है, कलर करना है उन पार्ट्स को जो कि क्या है, प्लांट के पार्ट्स हैं. ठीक है, तो देखो आपको फिगर दिखाई गया है, फिगर में देखोगे आप तो देखिए ये तो सारा ही हरा भरा दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, पौधे हैं, ये देखो. ठीक है, ये भी क्या है, ये सारे आपके पौधे हैं, राइट. तो प्लांट्स के बारे में ही तो है, ये भी तो प्लांट का प्लांट होता है एक तरह का. ठीक है, ये भी प्लांट होता है, ये भी प्लांट होता है. ठीक है, तो ये भी प्लांट होता है, तो हर एक पार्ट क्या है यहाँ पर, मेनली सारे ही पार्ट्स क्या है आपके प्लांट के. तो क्या आप उनका नाम दे सकते हो, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, और इसके नीचे आपको रूट मिलेगी, राइट, जैसे आपको ये ब्रांचेस से रखे हैं और आपकी लीव्स वगैरह हैं, राइट. तो इस तरह से आप उनको नाम दे सकते हो. 7.1 में देखिए हम पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें दिखाया गया है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट के, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, देखो इसमें दिखाया गया है आपको, रूट भी दिखाई गई है यहाँ पर कि ये आपके क्या होती रूट होती है प्लांट की.
ठीक है, ये पत्तियाँ होती हैं, स्टेम होती है, ठीक है, ये लीव्स होती हैं, ये फ्लावर होता है, और ये क्या है, फ्रूट लगा हुआ है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं प्लांट के। देखिए हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज़, अब जो प्लांट्स हैं उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि अलग अलग जो उनके टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। 7.1 से स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन में क्या है, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ, तो आपने क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है स्टेम को और आपकी ब्रांचेस को, शाखाओं को, किस चीज़ की, प्लांट्स सच मच स्मॉलर देन यू, जो प्लांट आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनकी आपने स्टेम भी देखनी है और उनकी ब्रांचेस को भी देखना है, ऑब्जर्व करना है अच्छे से। प्लांट्स दैट आर अबाउट यूअर साइज़, और वो प्लांट जो कि आपके साइज़ के हैं। प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, तो ऐसे प्लांट्स के बारे में भी आपने उनकी स्टेम भी देखनी है और ब्रांचेस देखनी है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा लंबे हैं। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बैंड दैम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड, तो आपने क्या करना है, उनकी स्टेम जो है, उनका जो तना है, उसको आपने ट्राई करना है, बैंड करना है, उनको मोड़ करके देखना है आराम से, ये देखना है कि क्या ये टेंडर है या फिर हार्ड है, क्या ये नरम है या फिर मजबूत है, हार्ड है। तो आप ऐसे ट्राई करोगे अलग अलग प्लांट टाइप को, जो कि आपसे छोटे हैं, जो आपके साइज़ के हैं, और जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, हाइट में, ठीक है, लंबाई में। तो आप उनको चेक करोगे कि ये मुड़ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, बैंड हो पा रहे हैं इजीली या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए आगे टेबल दी गई है 7.1 कैटेगरी ऑफ द कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, तो इसमें आपने कैटेगराइज करना है प्लांट्स को। जब आप अलग अलग प्लांट को देखोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, उनको बैंड करके देखोगे, तब आपने इसको टेबल में डालना है। जैसे देखो प्लांट नेम है, अब प्लांट नेम दिया गया है, आपने टेबल में लिखना है। जैसे आपने प्लांट लिया टोमेटो का, मैंगो का, लेमन का, तो कॉलम वन में इनकी हाइट लिखनी है। जैसे टोमेटो का प्लांट होता है शॉर्ट होता है, मैंगो का प्लांट जो है वेरी टॉल होता है, ठीक है, और लेमन का प्लांट जो है अबाउट माई हेल्थ हाइट, सॉरी, जो जो लेमन का जो प्लांट होता है वो ऑलमोस्ट हमारी हाइट तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो अब इसमें कलर देखो, कॉलम टू में आपने स्टेम के बारे में लिखना है कि स्टेम इसकी ग्रीन है तो यहाँ पर येस लिख दोगे, टेंडर है तो येस लिख दोगे, थिक है तो यहाँ पर लिख दोगे कि थिक है, येस या नो में, हार्ड है, येस या नो में, यहाँ लिख देंगे। एट द बेस ऑफ द स्टेम, तो देखो जैसे टोमेटो होती है, टोमेटो की जो टोमेटो कैसा होता है, ग्रीन कलर का, टेंडर होता है, ठीक है, और जो इसकी ये थिक नहीं होता, ठीक है, और ये क्या है आपका हार्ड भी नहीं होता, इसको अच्छे से आराम से आप बैंड कर सकते हो इजीली। मैंगो है जैसे, अब आपका मैंगो के बारे में आपने यहाँ पे फिल करना है, तो ये आपको टेबल फिल करके दिखानी है, ठीक है। जैसे मैंगो, अब मैंगो की ट्री का थिक भी होती है और हार्ड भी होती है, तो यहाँ पे यस लिख दिया इस तरह से। इस बाकी टेबल को आपने फिल करना है अलग अलग, यहाँ पर क्या लिख के, प्लांट नेम लिख करके, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद देखो आपको कॉलम थ्री दिया गया है, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड, तो ब्रांचेस क्या है, कहाँ कहाँ मिलती हैं। एट द बेस ऑफ द स्टेम, जिसकी बेस पर मिले आपको, स्टेम के बेस पर मिले, तो आपने यहाँ पर यस लिखना है, ठीक है। जैसे आपका लेमन है, लेमन की ब्रांचेस मिलती हैं बेस के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर यस लिखा हुआ है। ऐसे ही हाइयर अप ऑन द स्टेम, जो स्टेम के ऊपर होती हैं, तो देखो जैसे मैंगो है उसकी स्टेम के ऊपर होती हैं ब्रांचेस, तो यहाँ पर यस लिख दिया। और ऐसे ही कॉलम फोर में देखो, जैसे हमारा टोमेटो क्या है, हमारा टोमेटो एक हर्ब है, ठीक है, मैंगो जो है हमारी ट्री है, और जबकि लेमन जो हमारा श्रब है, क्योंकि ये हमारी हाइट तक पहुंच जाता है इजीली। तो इस तरह से हमने कैटेगराइज करना है उनको, प्लांट्स को, ठीक है, टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रिक, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्टेम है वो ब्रिक ना करे, जब उसको बैंड करोगे तो वो ब्रिक नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर, आपने हग करके देखना है, ठीक है, एक थिक प्लांट को, ठीक है, टॉल प्लांट को, सॉरी, एक लंबे से प्लांट को आपने हग करके देखना है, ये देखने के लिए कि उसकी जो स्टेम है वो कितनी मोटी है। कर सकते हो आप ऐसे पता कि कितनी मोटी स्टेम है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, हमें ये चीज़ भी नोटिस करनी होगी कि कौन कौन से पार्ट से प्लांट के ब्रांचेस निकलती हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, कि जो हमारे ग्राउंड के पास से निकलती हैं, या फिर हायर अप ऑन द स्टेम, कि स्टेम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ से निकलती हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड,
तो अब हम क्या करेंगे, सभी प्लांट्स को क्या कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे जो हम आसपास अपने देखते हैं इन टेबल 7.1। 7.1 में कर लेंगे सम एग्जांपल्स क्या हैं आर शोन। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, यू कैन फिल इन कॉलम वन, आप कॉलम वन में उनको फिल कर सकते हो। सजेशन देखिए, आपके लिए सजेशन दिया गया है, स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 सो दैट ए मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म डैमेज्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को आप सबको क्या ग्रुप में काम करना होगा इस चीज़ के लिए, ताकि हमारे जो मिनिमम नंबर जो है प्लांट्स के, वो हार्म हो, ज़्यादा उनको क्षति ना पहुँचे, उनको नुकसान ना पहुँचे। यू मे ऑल्सो यूज़ वीड्स विद सॉफ्ट स्टैम्स फॉर द एक्टिविटीज़। आप वीड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जो घर पर गात होते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं उनके स्टैम को। ठीक है, डू यू नो वट वीड्स आर, आप जानते हो वीड्स क्या होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, जो अनचाहे पौधे होते हैं, जो अपने आप उग जाते हैं खेत खलिहानों में, वो होते हैं वीड्स आपके। इन क्रॉप फील्ड्स लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स, कोई वही बताया गया है कि अनवांटेड प्लांट क्या है, ज़्यादातर अपने आप ही उग जाते हैं और वीड्स स्टार्ट ग्रोविंग। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड्स, तो क्या आपने कभी देखा है किसी किसान को अपने खेत से ये वीड्स जो है अनचाहे पौधों को निकालते हुए? ठीक है, देखा होगा आपने, जब भी आपने खेत खलिहानों को देखा होगा तो वो करते हैं ऐसा। अब देखिए, 2 and 3 फॉर मोर, वन सेकेंड, यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 and 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स। तो आप कॉलम 1, 2 and 3 को आप और प्लांट्स के लिए फिल करके कर सकते हो। फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन, आपने 4 को क्या है, कॉलम को बाद में फिल करना है जब आप स्टडी कर लोगे इस सेक्शन को। बेस्ड ऑन दीज करेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू 3 कैटेगरीज। तो इस बेसिस पर जब आप इनको कॉलम में फिल कर लोगे, उसके बेसिस पे आप देखोगे कि जो प्लांट्स हैं वो 3 तरह के हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं और ट्रीज हैं, 3 तरह के होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इच इज़ शोन इन द फिगर, आपको फिगर में एग्जाम्पल दिया गया है हर्ब का, श्रब का और ट्रीज का। देखो ये आपको फिगर दी गई है, इसमें ए है जो हमारा ये वाला जो है, ये वाला जो प्लांट है ये हमारा है हर्ब। ठीक है, सेकेंड जो है ये हमारा है श्रब, ओके, और जो थर्ड है ये हमारी है ट्री। तो जो ट्री जो दिखाई देती है वो इस तरह से दिखाई देती है, हर्ब हमारा इस तरह से दिखाई देता है, श्रब हमारा इस तरह से दिखाई देता है। आप देख पा रहे हो इसको, अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लो कि ट्री हमारी इस तरह की होती है, हर्ब हमारा इस तरह का दिखाई देगा आपको, ठीक है, और श्रब हमारा इस तरह का होता है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से क्या इनकी क्वालिटी होती है, क्या इनके गुण होते हैं। ठीक है, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, ऐसे प्लांट जिनकी जो पत्तियां हैं या जो प्लांट्स खुद में ग्रीन होते हैं और टेंडर स्टेम के साथ होते हैं, जिनको अच्छे से हम बैंड कर सकते हैं, आर कोल्ड हर्ब्स, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उनकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं, बहुत सारा ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, मैनी ब्रांचेस होती हैं उनकी। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टैम, और कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं उसके स्टैम के बिल्कुल पास ही होती हैं। द स्टैम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, जो स्टैम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है लेकिन मोटा नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड द श्रब्स, और ऐसे प्लांट्स को यहाँ कहा जाता है श्रब्स कहा जाता है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टैम, और कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और उनकी जो और क्या होते हैं, वो हार्ड भी होते हैं और थिक स्टैम, उनकी जो स्टैम होती है वो मोटी होती है। द स्टैम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, जो स्टैम होती है उसके ऊपर वाले पार्ट पर ब्रांचेस होती हैं। मैनी अबव द ग्राउंड, जो कि धरती से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, ठीक है, काफ़ी ऊपर होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड द ट्रीज, और ऐसे प्लांट्स क्या कहे जाते हैं, हमारे ट्रीज कहे जाते हैं। अब देखो, ये हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, इसमें देखो जो हमारे ये क्या है, टेंडर है और शॉर्ट है, ठीक है, जो हमारा हर्ब होता है टेंडर होता है, शॉर्ट होता है, इसको इजीली हम बैंड कर सकते हैं, इसके किसी भी पार्ट को हम इजीली बैंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्लांट क्या होते हैं, हमारे हर्ब होते हैं। सेकंड क्या है, ये जो है इसकी जो स्टैम होती है वो हमारी हार्ड होती है लेकिन थिक नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा मोटी नहीं होती, हार्ड तो होती है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होती। और जो इसकी जो पत्तियाँ जो ब्रांचेस होती हैं वो बिल्कुल स्टैम के पास ही होती हैं। देखो यहाँ से स्टैम निकला, जैसे
तो बिल्कुल इसके पास ही है, ठीक है। इसकी जो ब्रांचेस हैं बिल्कुल स्टेम के पास होती हैं, ठीक है। और जबकि हमारा जो ट्रीज़ होता है ये लंबा भी जाता है हाइट में, इसका जो स्टेम होता है ये थिक भी होता है और हार्ड भी होता है, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर की साइड होती हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर होती है। तो ये हमारी क्या होती है, ट्री होती है, राइट। अब हमें डिफरेंस पता लग गया कि कौन सा हमारा हर्ब है, कौन सा हमारा श्रब है, कौन सा हमारी ट्री है, राइट। तो अब देखिए आगे, बेस्ड ऑन द अबव करेक्टरिस्टिक्स, तो जो अभी हमने ये जो गुण पढ़े हैं कि करेक्टर्स के बारे में पता लगाया है, कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। तो क्या अब आप कॉलम 4 को जो 7.1 में दिया गया है उसको कंप्लीट कर सकते हो इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे? कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। हमें पता लग गया हब क्या होता है, श्रब क्या होता है, ट्री क्या होती है, तो इस तरह से हमको कर सकते हैं। पहली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टैम द मनी प्लांट, तो जो पहली है वो वंडर आश्चर्य करती है इस चीज़ के कि जो मनी प्लांट होता है हमारा उसका जो स्टैम होता है वो किस तरह का होता है। बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप पाइंस हैव, ठीक है, डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, आपने इन प्लांट्स को क्या ऑब्जर्व करके देखना है, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम ए हर्ब, तो ये क्या है, हर्ब से कैसे डिफरेंट होते हैं ए श्रब और ए ट्री, ठीक है, तो किस तरह से डिफरेंट होता है जो मनी प्लांट होता है। वाई डू यू थिंक सम ऑफ दैम नीड सपोर्ट टू क्लाइम अपवर्ड, आप क्यों सोचते हो कि कुछ प्लांट्स क्या है उनको ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसा क्या क्या होता है, क्या रीज़न होता है कि किसी प्लांट को क्लाइम करने के लिए क्या है किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, सपोर्ट चाहिए होता है किसी का। तो पहले जानना चाह रही है, प्लांट विद वीक स्टैम्स, ऐसे प्लांट जिनकी जो स्टैम होती है वीक होती हैं, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और जो क्या ऊपर खड़े नहीं रह हो सकते, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जो है ग्राउंड पर फैल जाते हैं, आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो ऐसे प्लांट जो कि क्या है सीधे एकदम स्टैम से जो है उनकी खड़े नहीं हो सकते, उनकी जो स्टैम होती है वीक होती है, जो वीक है तभी तो वो इस तरह से लेटे होंगे, है ना, तो वो नहीं हो पाएंगे और जो स्प्रेड कर जाते हैं वो हमारे ग्राउंड पर, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो क्रीपर्स कहे जाते हैं, जैसे बेलें होती हैं, ठीक है, बेल होती है, जैसे अंगूर की बेल होती है ना, वो क्या होती है उसकी जो स्टैम होती है वो काफ़ी वीक होती है और वैसे अपराइट खड़ी नहीं हो सकती वो, ठीक है, सीधी खड़ी नहीं हो सकती, तो क्या है वो हमारे जो है क्रीपर्स कहे जाते हैं, वो हमारे ग्राउंड पर या कहीं पर भी उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है और वो फैलती हैं, ठीक है। वाइल दूज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप, जबकि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सपोर्ट लेते हैं और ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं, आर कोल्ड क्लाइंबर्स, और ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, क्लाइंबर्स कहा जाता है, ठीक है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज, और ये क्या है हमारे हर्ब से श्रब से और ट्रीज से डिफरेंट अलग होती हैं। परहैप्स दीज आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ, कि काश ऐसे कुछ प्लांट्स हों आपके स्कूल में भी आपके घर पर भी जिनका आप ख्याल रखो। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी, अपने किसी किन्हीं के भी आपने नाम लिखने हैं, बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं। टू ट्री श्रब्स हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोविंग इन योर हाउस और स्कूल, आपके घर में या फिर आपके स्कूल में ऐसे दो दो ट्री के नाम बताने हैं, दो आपने ट्री के बारे में, दो श्रब और दो हर्ब के बारे में बताना है जो कि आपके घर में या फिर स्कूल में उगे हुए हों। होते हैं ना स्कूल में भी प्लांट्स लगे होते हैं और घरों में भी लगे होते हैं, तो आपने उनके नाम बताने हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, ये आपको फिगर में दिखाया गया है, फिगर में ये आपका क्लाइंबर जो हमारा मनी प्लांट होता है ना, क्लाइंब कर जाता है, ठीक है, एक सपोर्ट चाहिए होता है इसको और फिर क्लाइंब कर जाता है। और जो क्रीपर्स है, जैसे तरबूज लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, क्रीपर्स होते हैं, ये फैलने वाले पौधे होते हैं, ठीक है, इनको सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या है, फैलते हैं धरती पर ही फैल जाते हैं, ज़मीन पर कहीं पर भी उगे होंगे वहीं पर फैल जाएंगे, ठीक है। और इनकी जो स्टैम है वो वीक होती है। स्टैम के बारे में देखिए, स्टैम के बारे में पढ़ने वाले हैं हम 7.2 में। स्टैम क्या है, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टैम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, तो अब हमने क्या है हमारे जो प्लांट के पार्ट्स उनके बारे में स्टार्ट हो गया है, अब उनके बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। तो आपने क्या है अपने आसपास क्लोजली देखना है उन स्टैम्स को जो आपके आसपास प्लांट हैं उनकी,
नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम, और आपने अलग अलग जो पार्ट जो उगे हुए हैं उन स्टेम से उनके स्ट्रक्चर को भी देखना है, उनके पार्ट्स को भी देखना है अच्छे से. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, और आपने जो आपने प्लांट लिए हैं उनको उनसे कंपेयर करना है जो अपने फ्रेंड आपके फ्रेंड ने लिए हैं. व्हाट डू यू फाइंड, तब आप क्या पाते हो. स्टैम्स बियर लीव्स ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर एंड फ्रूट्स. तो क्या है, जो स्टैम होती है जो तना वाला पार्ट होता है पौधे का, उस पर हमारी लीव्स भी लगी होती हैं, ब्रांचेस भी लगी होती हैं, बर्ड्स भी होती हैं और फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है. और उसके साथ साथ हमारे फ्रूट भी लगे होते हैं, यानी कि जो स्टैम वाला जो पौधे का जो स्टैम पार्ट होता है उसी पर हमारे लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, अटैच होते हैं, उसी पर हमारे बर्ड्स लगते हैं, फ्लावर भी उसी पर लगते हैं और हमारे फ्रूट्स भी उसी पर लगते हैं जो मेन पार्ट है स्टैम. नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स विद वीक स्टैम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट. ओके ये हो गया था, सॉरी. ये एक्टिविटी सेकंड करने वाले हैं हम. वीड वुड रिक्वायर ए ग्लास, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक ग्लास चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, ठीक है. और रेड या फिर ब्लू कलर की हमें इंक चाहिए होगी एंड ए सॉफ्ट स्टैम, और एक नाजुक सी स्टैम, ठीक है, ज़्यादा मोटी ना हो. जो प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ ग्लास, अब आपको क्या करना है, ग्लास को 1/3 भर देना है, एक तिहाई भर देना है पानी से. एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर, आपने रेड या ब्लू कलर की इंक को उसमें डालना है, कुछ ड्रॉप्स डालनी है उसकी. कट द बेस ऑफ द स्टैम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6. तो आपको आगे 7.6 एक फिगर दी गई है, उसकी उसी की तरह उसको क्या करना है, ग्लास में उसको प्लेस करना है किसी भी स्टैम को. देखो यहाँ पे दिखाया गया है, एक ग्लास दिया गया है, उसमें क्या है, 1/3 हमने पार्ट भर दिया पानी का, उसमें हमने कुछ ड्रॉप डाली है इंक की, यहाँ पर रेड कलर की इंक डाली है, आप यहाँ पर ब्लू कलर की भी इंक डाल सकते हो. तो ये जो नीचे वाला पार्ट है स्टैम का, ये हमने यहाँ पर इसमें डिप कर दिया है, ठीक है. अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्व द सेटअप. आप अपने सेटअप को देखना है कि किस तरह का सेटअप बनेगा. डज द कलर अपियर इन द स्टैम, कि जो ये जो कलर है जो हमने डाला है इंक का, वो क्या स्टैम में आ जाता है. यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टैम, तो आप ये देखोगे कि जो कलर है ना वो हमारे स्टैम में ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ठीक है. इफ़ दिस इज किप्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, अगर इसको काफ़ी टाइम के लिए आप रख देते हो ऐसे ही स्टैम को उस ग्लास के अंदर, द कलर जो कलर होता है अपियर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो. तो क्या है, जो कलर है इसकी स्टैम की वेन्स में भी दिखाई देने लग जाएगा, इनकी शिराओं में भी दिखाई देने लग जाएगा आपको. हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर, तो आप क्या समझते हो कि जो कलर है वो उस स्टैम के उस वाले पार्ट में कैसे पहुंचा, उनकी वेन्स में कैसे पहुंचा वो कलर. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टैम हैज इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, तो अब हम यहाँ से पता कर लगा चुके हैं, हमें यहाँ से पता लगा, वी सी दैट हम देखते हैं कि द स्टैम्स हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जो हमारी स्टैम होती है पौधे का जो स्टैम वाला पार्ट होता है वो हेल्प करता है पौधे को वाटर को ऊपर की तरफ मूवमेंट करने में, ठीक है, जिसमें से पानी क्या है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा होता है. ये वो वाला पार्ट होता है पौधे का जो हमारा स्टैम होता है जिसमें से पानी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा होता है. द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच टू द स्टैम. तो जो हमारा वाटर होता है और जो हमारे मिनरल्स होते हैं जो सोइल से मिलते हैं उनको, ठीक है, जड़ों के द्वारा, वो क्या करते हैं हमारे प्लांट में कैसे जाते हैं, वो प्लांट पार्ट्स में जाते हैं और लीव्स में जाते हैं, किसके किसके द्वारा, हमारी स्टैम के द्वारा. हमने अभी देखा कि जैसे ही ये इसमें ये हमने जो सेटअप बनाया था, ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा था, ये जो स्टैम है इसमें इसमें जो वेन्स हैं, ठीक है, जो स्टैम का ये पार्ट है इसमें जो वेन्स हैं वहाँ से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पानी और ऊपर की तरफ जा रहा है, उनकी डायरेक्शन ये है. तो इसी से हमें पता लगे, जो जैसे हमारा पौधा जो मिट्टी में लगा होता है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा होता है, जो उसकी जड़ें होती है ना नीचे, ठीक है, और जो स्टैम वाला पार्ट होता है ये इस भूमि से क्या करता है, इस सॉइल से मिनरल्स और जल को लेता है जो कि हमारे स्टैम में ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है.
सो ओके स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे सेशन. इस सेशन में हम इतना ही करेंगे और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ने वाले हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच माई प्रीवियस क्लास वीडियो देन प्लीज़ विजिट टू दैम एंड वॉच दैम थोरली एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू वन सेकेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर अपडेट्स एंड वीडियोज़. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.